हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार इन्फोमेनिया में। भाई आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, गाड़ी सिलेरियो जो नई सिलेरियो लॉन्च हुई है, लॉन्च होने से पहले भी 10 नवंबर को गाड़ी आई है और हम 6 या 7 नवंबर को ही आपके लिए पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर और कंपेरिजन की वीडियो ले आए थे। तो भाई पुरानी जो मतलब जो नई सिलेरियो है उस पर जो है, जैसे ही हमने वीडियो डाली उसके बाद लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो गए। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जो भी 2 से 3 वीडियो गई थी बहुत ज़्यादा रिकमेंड हुई, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखी वो, तो उस उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडियन कंज्यूमर है उनका फीडबैक नई सिलेरियो की तरफ। तो भाई काफ़ी मिक्स से रिएक्शन है, लेकिन भाई आपको एक ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो लगभग 90% लोगों के भाई नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। लेकिन नेगेटिव रिव्यूज़ में भाई लोगों ने हद कर दी है। आपने कुछ रिव्यूज़ जो कमेंट्स है वो थंबनेल पे भी देखे होंगे, लेकिन अब मैं आपको वो कमेंट के साथ साथ सारी कमेंट्स दिखाने वाला हूं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो हमारे चैनल पे वीडियोज़ पे आए हैं नई सिलेरियो को लेके। भाई दो चीज़ें पहले बताना चाहूँगा, एक तो भाई मुझे पर्सनली मारुति से कोई ऐसा कुछ हेट नहीं है। सामने वाला जो प्रोडक्ट लाएगा, जैसा वो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसका वैसा ही ओवरव्यू दिया जाएगा, वैसा ही रिएक्शन दिया जाएगा। सबकी पसंद ना पसंद होते, लेकिन भाई प्रैक्टिकलिटी पे जो पॉइंट है वो सबके सेम ही होंगे। तो हो सकता है आपको मैं शायद कहीं गलत लगूं सही लगूं, तो उस हिसाब का रिएक्शन आप इस वीडियो पे भी दे सकते हैं। और दूसरी बात भाई, पहली बात तो ये थी, दूसरी बात ये भाई मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं कोई वीडियो रोस्ट नहीं करता, जस्ट ऑटोमोबाइल रिव्यू करता हूँ। तो मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वीडियो बहुत ज़्यादा फनी होने वाली है, लेकिन मैं बस एक मीडिएटर हूँ जो फनी कमेंट्स को आप तक लेके आने वाला है, जो भी नई सिलेरियो के लॉन्च के बाद लोगों ने रिएक्शन दिया है। तो भाई सबसे पहले तो भाई आपको पहला कमेंट दिख रहा होगा यहाँ पे, तो सिलेरियो को लॉन्च होते के साथ ही मिला एक बेहतरीन अवार्ड जो कि उसे दिया है हमारे एक व्यूअर ने, वो है डिस्गस्टिंग कार ऑफ द ईयर 2021। तो भाई आई होप कि मारुति तक इस अवार्ड का नाम पहुंच जाए, क्योंकि भाई एक्चुअल में लोगों को डिजाइन इतना पसंद नहीं आया है। और भाई आपको अभी जो स्क्रीन पे है और भी कमेंट दिख रहे होंगे, मोस्टली कमेंट भाई इस लाइन से भरे हुए हैं कि क्या बकवास कार बनाई है मारुति ने, क्या बकवास है, क्या बकवास डिजाइन है। तो वो कमेंट्स भाई बहुत ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा, उनको दिखाने का पॉइंट भी नहीं बनता, क्योंकि भाई उन्हीं से स्पैम हो रखा है पूरा कमेंट बॉक्स कि क्या बकवास कार है, डिजाइन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है। तो भाई डिस्गस्टिंग कार ऑफ द ईयर ये मारुति ने सिलेरियो ने अचीव कर लिया है अपने लॉन्च होते के साथ ही। दूसरा कमेंट आपको दिख रहा होगा भाई, दूसरा कमेंट है नैनो इज मोर गुड लुकिंग देन दिस कार। तो भाई लुक्स का तो पता नहीं, लेकिन भाई टाटा ने अपने टाइम में जो चीज़ें 1.5 से 2 लाख में दी थी वो मारुति आज 5 लाख में भी पूरी नहीं कर पा रहा है। शायद वही बेसिक चीज़ें भाई, जैसे नैनो पे भी गेयर बॉक्स के पास वो विंडो बटन होते थे, वहाँ पे हैंड ब्रेक के पीछे सिलेरियो के दे दिए गए हैं, और बहुत सी चीज़ें विंडो रोल डाउन के ऑप्शन विंडो पे है ही नहीं भाई। एटलीस्ट मारुति के बैक सीट पे वहाँ पे आपको हैंडल या पावर बटन वहाँ पे तो मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको चाहे आप टॉप वेरिएंट लेंगे ZXi प्लस तो भी आपको भाई हैंड ब्रेक के पीछे ही जो पावर विंडो के बटन और आगे फ्रंट म्यूजिक इंफोटेनमेंट कंसोल के नीचे आपको विंडो रोल डाउन के ऑप्शन मिलेंगे। तो भाई ये चीज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आगे नहीं मारुति ने पीछे करी है, और वो भी इतनी रेंज वाली इस कार में। आपका टॉप मॉडल जाके पड़ेगा आपको ऑन रोड 7.5 लाख के आसपास, जो कि काफी अमाउंट हो जाता है। एक और कमेंट भाई आ रहा है यहां पे, कमेंट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ब्रेकिंग न्यूज मारुति ने लॉन्च किया अपना नया टीन का डिब्बा, या इसे आप पतरा भी कह सकते हो, पतरा भाई वो पतली सी लोहे की चादर कहते हैं, या टीन शेड को आप कह सकते हो। एंड सूत्रों से खबर आई है कि मारुति के कहना है कि भारत में पब्लिक कुछ सी है जो हमारी परमानेंट कस्टमर है। और भाई इस भाई ने तो फनी वे में टोंट मारा है, लेकिन भाई ये बात सच है, मारुति कैसी भी गाड़ी निकाल दे, किसी भी रेंज में निकाल दे, लेकिन भाई कस्टमर है मारुति का इंडिया में बहुत ज़्यादा, हर गाड़ी बिकती ही बिकती है। लेकिन यहाँ पे सिलेरियो से भाई उतनी एक्सपेक्टेशन शायद मारुति को खुद भी नहीं होगी, क्योंकि भाई जो वेरिएंट्स हैं, दो दो बेस वेरिएंट निकाल दिए, LXi VXi, VXi में आपको बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं दिया गया, उसका प्राइस रेंज भी 5.5 लाख के आसपास है एक शोरूम। तो भाई यहाँ पे आई थिंक चीज़ें खर बिगड़ने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, CNG वेरिएंट भी लॉन्च नहीं हुआ है, उस पर हमारी वीडियो आ चुकी है, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आप CNG वेरिएंट का वेट कर रहे हैं सिलेरियो में। तो यहाँ पे भाई एक और कमेंट आया है, इसको भाई दिल पे मत लेना, जो भी नई सिलेरियो लेने वाला है कहीं ना कहीं ये उसको हर्ट करेगा, ये कमेंट प्लीज़ आप मत पढ़ना, अगर आप स्किप कर सकते हो यहाँ पे वीडियो। तो भाई वो कमेंट आपको आप दिख रहा होगा, ये कुछ ज़्यादा ही
डीप हो गया, मतलब ज़्यादा ही हर्टफुल हो गया। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई लोगों का एक्चुअल में रिएक्शन ऐसा है कि कोई इस गाड़ी को क्यों ही लेगा। ना आपने फीचर्स दिए, जो आपने फीचर्स दिए वो आपने पुराने ज़माने के दिए, और आपने प्राइस नए ज़माने का रखा है। 7-7.5 लाख की गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको उसमें म्यूजिक सिस्टम चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए। तो भाई कंपिटिटर्स जो हैं वहाँ पे, और जैसे टाटा हो गया, हुंडई हो गया या फिर रिनोल्ट हो गया, वहाँ पे आपको 6 लाख के आसपास में ये सारे फीचर मिल जाते हैं जो मारुति 7.5 लाख में दे रहा है नई सिलैरियो में। तो भाई मुझे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आया, और भाई इस कमेंट को दिल पे मत लेना जो भी नई सिलैरियो लेने की सोच रहा है। एक और कमेंट भाई, जो मैं अभी जस्ट बात कर रहा था विंडो के फीचर्स की, वेरी डिसअपॉइंटिंग अपडेट, ओल्ड वेरिएंट लुक बेटर, पावर विंडोज स्विचेस, लोकेशन इज चीप, डोर हैंडल्स हैव बीन डाउनग्रेडेड। हाँ भाई, इंटीरियर की क्वालिटी, एक्सटीरियर तो हमें एनकैप का भी होगा तो पता चल जाएगा या फिर हमें मारुति की हिस्ट्री पता है, लेकिन भाई इंटीरियर में जो क्वालिटी है ना, डोर हैंडल्स की, डोर बंद करने की जो आवाज़ है, या फिर जो पावर विंडो के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, और हैंड ब्रेक जो है भाई, उनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। बहुत ही पुअर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई बेस मॉडल 5 लाख एक शोरूम है, उसके बाद के वेरिएंट बहुत महंगे पड़ रहे हैं, और उसमें भाई वो क्वालिटी नहीं है कॉम्प्रोमाइजेबल। अब भाई आपको थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ फनी कमेंट है वो दिखाते हैं। यहाँ पे आपको कमेंट दिख रहा होगा, ये है मारुति का नया मजाक। हाँ भाई, इसे कह सकते हैं आप कि इन्होंने सेगमेंट में ऐसी कार लॉन्च कर दी जिसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। अब देखो ये कहाँ स्टैंड आउट करता है सेल्स फिगर में। एक और है भाई कमेंट कि कितना भंगार लुक है, बहुत पुरानी लग रही है। एक्चुअल में भाई ये कमेंट बिल्कुल फिट बैठता है इस गाड़ी पे, मतलब भंगार तो नहीं कहेंगे, नई गाड़ी है, ऑफ कोर्स गाड़ी बनाने में पैसा लगता है, डिज़ाइन टीम लगती है, पूरी एफर्ट्स लगते हैं, लोग बनाते हैं गाड़ी, कंपनी में गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, प्रोडक्शन तक, शोरूम तक आती है, कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो भाई भंगार तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई पुरानी तो बहुत है टेक्नोलॉजी फीचर्स के हिसाब से। एक इंजन को छोड़ के भाई मेरे को सारे जो अपग्रेडेशन हुए हैं सिलैरियो में वो अच्छे नहीं लगे। डुअल जेट VVT इंजन जो है भाई, 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन डुअल जेट है, तो आपको 6 इंजेक्टर मिल जाएंगे वहाँ पे, तो उस वजह से क्या है माइलेज आपका बढ़ जाएगा। माइलेज क्लेम कर रही है गाड़ी, जो मारुति क्लेम कर रही है वो 26 KMPL का है, लेकिन भाई वहाँ पे अगर आप ट्रैफिक में इस माइलेज को देखेंगे या सिटी में हाईवे प्लस सिटी रनिंग देखेंगे, मेरे को नहीं लग रहा वहाँ पे आपको वो माइलेज 20-22 से ऊपर मिल पाएगा। लेकिन 20-22 भी अगर मिलता है ट्रैफिक में सिटी में तो भाई वो काफ़ी काबिले तारीफ है, लेकिन भाई फिर भी इतना भी वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जितना आपको या तो CNG गाड़ी लेने पे पड़े या फिर डीजल गाड़ी लेने पे पड़े। तो यहाँ पे माइलेज को लेके मारुति ने अपना पूरा मार्केटिंग कार्ड खेला है, तो देखते हैं लोगों को ये कितना पसंद आता है। लेकिन आई थिंक लोगों को अभी भी कंपनी फिटेड सिलैरियो CNG वेरिएंट का जरूर वेट रहेगा, और उसी की वजह से शायद मारुति के सेल्स फिगर बढ़ सकते हैं इस गाड़ी को लेके। अब भाई यहाँ पे एक कमेंट है जो कि एक तरह से मारुति का कोई भाई डायार्ड फैन होगा या मारुति का कोई एम्प्लॉय होगा या उसके पास मारुति की ही उसने गाड़ी यूज़ करी होंगी आज तक। उन्होंने कमेंट किया है, हे मारुति बैशर, डू यू ऑल कैन टू डीफेम एंड डिस्ट्रॉय द कंपनीज रेपुटेशन, यू विल एंड अप लाइक अ टॉ ट्राइंग टू स्टॉप अ ट्रक ऑन द हाईवे, मारुति वॉज इज एंड विल बी इंडियाज बेस्ट सेलिंग कार फॉर एटलीस्ट अनदर डिकेड। तो यहाँ पे मैं इस भाई को कहना चाहूँगा, भाई मैंने ये तो बोला ही नहीं कहीं भी अपनी वीडियोज में कि मारुति बेस्ट सेलिंग कार नहीं बनाती है, मारुति की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा नहीं बिक है। आई नो कि मारुति की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं, लोग खरीदते हैं गाड़ी, मैंने भी चलाई हुई है, अभी मेरे पास मारुति सिलैरियो है जिसमें आफ्टर मार्केट CNG मैंने फिट कराई हुई है। लेकिन भाई फिर भी एक होता है आप मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एक होता है कि आप अपने कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से जो एग्जिस्टिंग है और जो नया प्रोडक्ट ला रहे हो उसके साथ। तो भाई आप अगर कोई भी कंपनी एक लेवल पे पहुंच के अगर कंज्यूमर के साथ ऐसा मजाक करेगी जैसा कि लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे उनके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, मारुति की बिल्ड क्वालिटी हो, इंटीरियर क्वालिटी हो, भाई वो नई सिलैरियो में अप टू द मार्क नहीं है, और इतनी अप टू द मार्क ना होते हुए भी आप कंपिटिटर्स वाले प्राइस में गाड़ी को रख रहे हो बिना फीचर्स के, तो भाई इसमें तो अब मैं क्या ही कहूँ। अब भाई आप नहीं समझना चाहते तो नहीं समझो, अब इस वीडियो को भी आप में से कई लोग होंगे जो मारुति के फैन होंगे भाई, मारुति को मानते हैं। बेसिकली क्या है, मारुति का दो चीज़ें हैं, 2 से 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज कि प्राइस अफोर्डेबल रेंज में पड़ता है, सेकेंड मेंटेनेंस कम और माइलेज थोड़ा ज़्यादा, द थर्ड वन इज आफ्टर सेल, मतलब
गाड़ी जो सेकंड हैंड गाड़ी होती है, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई तो आफ्टर सेल आपकी वैल्यू गाड़ी की ज़्यादा लग जाती है। और इंडियन कंज्यूमर को भाई आई थिंक यही चाहिए कि शुरू में कम प्राइस में गाड़ी मिल जाए, चाहे सेफ्टी कम हो चाहे ड्यूरेबिलिटी कम हो, 5-6 साल हम गाड़ी चला लें, उसकी मेंटेनेंस कम हो, उसके बाद हम उन्हें उस गाड़ी को बेचें तो वो आधी रात में बिक जाए। मारुति गाड़ियाँ भाई 4-5 साल पुरानी, 3 साल पुरानी गाड़ियाँ बहुत ही जल्दी बिक जाती हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियों की सेल ज़्यादा है मारुति की। और सामने वाला अगर कोई जो पुरानी गाड़ी ले भी रहा है मारुति की, वो भी यही सोच के रहता है कि भाई कम खर्चे में ज़्यादा काम चल जाएगा। अदरवाइज भाई अगर हम सब थोड़ा सा सोचने लगे तो हम टाटा या हुंडई की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, टाटा महिंद्रा की तरफ। हालांकि महिंद्रा इतनी हैचबैक या छोटी गाड़ियां नहीं बनाता, लेकिन भाई टाटा की तरफ आई थिंक हमें जाना चाहिए। टाटा ने इम्प्रूव किया है पिछले 3-4 सालों में, टियागो, पंच, अल्ट्रोज, ये काफ़ी अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं आपके लिए अगर आप पेट्रोल वेरियंट देख रहे हैं। अगर आपको सीएनजी चाहिए तो भाई मारुति से बढ़िया, मारुति और हुंडई इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी। टियागो, टिगोर हालांकि सीएनजी में आने वाली है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाली हुई है, टियागो बुक कराई हुई है, वो जाके देख सकते हैं। अदरवाइज भाई पेट्रोल में देख रहे हैं आप, टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं। 6.5 से 7.5 लाख में अगर आपको टाटा पंच लेनी है तो ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन अगर आप VXI या ZXI वेरिएंट लेते हैं सिलेरियो का। वहां पे आपको कुछ नहीं मिलता है, पंच में आपको पूरा भाई एक SUV वाला फील और फीचर्स और सेफ्टी मिलती है। तो ये भाई एक जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा ओपिनियन है कि कौन सी गाड़ी बेटर है। तो आपको कौन सा कमेंट सबसे फनी लगा ये जरूर बताइएगा, और आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो पे ये भी भाई कमेंट करके बताइए। और क्या आपको लगता है भाई नई सिलेरियो एक्चुअल में लेना एक बेवकूफ़ी होगी, या फिर आप अभी भी नई सिलेरियो लेने के लिए जाएंगे? तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह की अगर और फनी वीडियो लेने चाहते हैं, थोड़ी बहुत रिएक्शन वीडियो लेना चाहते हैं आप रेगुलर बेसिस पे, तो भाई कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी भाई आई होप कि इतना वियर्ड में साउंड ना कर रहा हूँ। बाकी रेगुलर अपडेट्स गाड़ियों के रिव्यूज़ लेने के लिए और नई गाड़ियों पे अपडेट लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा।